हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज सौरभ। आज मैं आपको मेरा एज अ प्रोफेशनल अर्बन क्लैब के बारे में आपको मेरा मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। जैसे कि मैं एक जब ये अर्बन क्लैब का जो स्टार्टअप था, मतलब करीब 5 से 6 साल पहले, तब मैंने इनरोल करवाया था एज अ जिम ट्रेनर। जिम ट्रेनर कैटेगरी में मैंने एज अ प्रोफेशनल उस पर मैंने इनरोल करवाया था। स्टार्टिंग में काफ़ी मुझे लीड्स मिले, कुछ फ्री लीड्स भी मिले। उसके बाद में उन्होंने पेमेंट्स का स्टार्ट किया, हम लोगों ने उनका पेमेंट किया। करीब 2 साल से उन्होंने हमको, 2 से 3 साल हो गए, उन्होंने हमको लीड देना बंद कर दिया। पेमेंट की बात ऐसी होती है कि आपको पेमेंट करने के बाद में कुछ क्रेडिट्स देते हैं, वो क्रेडिट्स के थ्रू आपको लीड परचेज करनी होती है। वो लीड को आपको कॉल करना होता है, कॉल करने के बाद में अगर आपको वो सर्विस लेना चाहते हैं तो आप उसको सर्विस दे सकते हो, अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। मतलब प्रोफेशनल का जो जो क्रेडिट्स होता है ये स्पेंड होता ही है, तो एक टाइप का हम लोगों को ये जो लीड से ही परचेज करनी होती है। उसके बाद में मैंने एक 2-3 साल पहले की बात है, तब से इन्होंने मेरा मुझे लीड देना बंद कर दिया। तो मैंने काफ़ी बार कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि हमारे पास अभी फिलहाल लीड नहीं है, ये कैटेगरी के लिए फिलहाल लीड नहीं आ रहे, लीड आएंगे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने काफ़ी दिन वेट किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई लीड्स इनके पास आ नहीं रहे तो ये मुझे कहाँ से फॉरवर्ड करेंगे। 6 महीना साल भर हो गया, उसके बाद में मैंने फिर से कॉल किया तो उन्होंने बताया कि आपका जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो गया है। तब मुझे पता चला कि मेरे जो 1.5 से 2 हज़ार रुपये के जो लीड्स थे, यूसी क्रेडिट्स बोलते उसे, वो क्रेडिट्स एक्सपायर हो चुके थे। हर क्रेडिट्स का 1 साल का एक वैलिडिटी होता है, तो वो एक्सपायर हो चुके थे। तो मैं बोला ठीक है, मैंने फिर से रिचार्ज करवाया, 1.5 हज़ार करीब रिचार्ज करवाया। मुझे कुछ 100 या कुछ 120 मुझे यूसी क्रेडिट्स मिले, जिससे मैं मेरे लीड परचेस कर सकता हूँ। मेरा ऐसा था कि हम लोग कुछ लीड्स परचेस करेंगे, उसके बाद में पॉजिटिव्स आते हैं तो और पेमेंट ऐड करूँगा। तो ऐसे ही मैंने कस्टमर को फ़ोन किया कि मैंने क्रेडिट्स ऐड कर दिया हूँ। तो मुझे बोला कि अभी आपको आएंगे, आपकी जो प्रोफाइल है ये परफेक्टली एक्टिव है, कोई इशू नहीं, आपके प्रोफाइल में आपको लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने काफ़ी दिन वेट किया, मुझे कोई लीड्स रिसीव नहीं हुए। करीब 6-7 महीना हो गया तो मुझे कोई लीड्स रिसीव नहीं हुए। तो मैंने सोचा कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करके, तो मैंने मेरे वाइफ को बोला कि तुम एक रिक्वेस्ट दे दो अर्बन क्लैब पे कि मुझे ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट है, चलो देखते हैं कि मुझे वो रिक्वायरमेंट की जो लीड है मुझे आती है क्या। तो उसने वो ऐप इंस्टॉल किया, जो कि आपका अर्बन क्लैब का सर्विस ऐप होता है, इंस्टॉल किया। उसमें देखा कि उसमें कोई कैटेगरी अवेलेबल ही नहीं है, वो जो जिम ट्रेनर की कैटेगरी है वो अवेलेबल ही नहीं है, वो रिमूव कर दिया है। तो मैं भी काफ़ी शॉक हो गया। तो हमने कस्टमर केयर से बात किया, कस्टमर केयर का ऐसा था कि हाँ वो लीड हमने कैंसिल कर दिया है। तो मैंने बोला ओके, तो मेरा पेमेंट का क्या? तो उन्होंने बोला कि जब सर्विस स्टार्ट हो जाएगा तो आपको लीड आना स्टार्ट हो जाएगा, फिलहाल के लिए हमने इसको पॉज कर दिया, कोविड की वजह से हम लोगों ने इसको पॉज कर दिया है। मैं बोला ओके, तो ये पेमेंट का क्या? तो उनका ऐसा था कि आप ये पेमेंट यहाँ पे रख सकते हो या कि आपको पेमेंट ही रिफंड मिल जाएगा, आपको चाहिए रहेगा तो। मैं बोला ठीक है, इसका कोई यूज़ है क्या दूसरा, मैं कुछ यूज़ कर सकता हूँ? उनका कहना था कि नहीं, ये आप ये जो क्रेडिट्स होते हैं ये आप सिर्फ लीड्स परचेस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं भी एग्री हो गया कि चलो ठीक है, रिफंड ले लेते हैं, जब ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगा हम लोग फिर से जो है पेमेंट कर देंगे। मैंने रिफंड के बारे में कस्टमर से बात किया, कस्टमर क्या कैसा था कि आपको वो रिफंड मिल जाएगा क्योंकि वो आप यूज़ कर सकते नहीं हो आपके सर्विस कैटेगरी में। देन काफ़ी दिन बीत गए, मेरा पेमेंट होने के बाद 1 साल बीत गया और मेरी जो लीड्स थे वो एक्सपायर हो चुकी। एक्सपायर होने के बाद में मैंने रैंडमली एक बार ऐप में चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरे यूसी ज़ीरो है। तो मैंने कस्टमर केयर से बात किया कि मेरा ऐसा ऐसा लीड्स था जो कि मेरे कस्टमर केयर से बात हुआ तो अभी तक के वो मुझे रिफंड क्यों नहीं मिला। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर वैसा तो वो रिफंड होता नहीं क्योंकि आपका 1 साल हो गया, आपको एक्सपायर हो गया है। मैंने उनको सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि मैंने कैसे कस्टमर केयर से बात किया था, मैंने रिक्वेस्ट कैसे दिया था, मेरा प्रोफाइल कैसा है, मेरा सारी चीज़ें उनसे मैंने डिस्कस किया। तो उनका बोलना था कि कोई बात नहीं सर, हम ट्राई करेंगे, आपका केस जेन्यून है, हम ट्राई करेंगे कि आपको रिफंड मिल जाए। तो उन्होंने मैं रिक्वेस्ट ले लिया। उसके कुछ दिन बाद मुझे उनका कॉल आया, 2 से 3 वर्किंग डेज का मैं कॉल आया और उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि सॉरी सर, हम आपको कोई रिफंड प्रोवाइड नहीं कर सकते एज़ पर आवर कंपनी पॉलिसी। आपका पेमेंट करके 1 साल हो गया है और वो एक्सपायर हो चुका है,
तो मैंने उनको फिर से वही बोला कि ठीक है, एक साल हो गया है, मगर ये जो मेरा मनी है ये तो मुझे रिफंड मिलना चाहिए, क्योंकि आपको वो सर्विस मुझे मिला ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं सर, कोई भी कंपनीज होती है उनका 1 साल का वैलिडिटी होता है, ऐसा वैसा काफ़ी मुझे बताया, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उनको जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे कि हम लोग कोई मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं या कोई भी सर्विसेज लेते हैं, तो उसका वैलिडिटी होता है 6 महीना, 1 साल, 1 महीने का, जो भी होता है। बट उसमें ऐसा होता है कि सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, वो आपका प्रॉब्लम है कि आप सर्विस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, मगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है इसलिए वो वैलिडिटी रखता है। बट इन्होंने मुझे सर्विस प्रोवाइड ही नहीं किया, सिंगल लीड भी प्रोवाइड नहीं किया है 3 साल से, जबकि मेरा पेमेंट मैंने करीब 1.5-1.5 हज़ार का, मतलब 2.5 से 3 हज़ार का पेमेंट मैंने उसमें कर दिया है, जो कि एक प्रोफेशनल के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो तुरंत फिर मैंने उनको ऐसा सब कुछ बताया, तो उनका ऐसा था कि सर सर मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, मैं भी आपकी जगह होती तो मुझे ये दुख होता, ऐसा वैसा, उन्होंने काफ़ी अपोलॉजीज ली, पर उनका लास्ट में यही था कि सॉरी बट हम आपको रिफंड नहीं कर पाएंगे। मैंने उनको लास्ट में कॉम्पनसेशन की बात किया कि मैम ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम लोग कॉम्पनसेशन की बात करते हैं, कि आप कुछ तो कॉम्पनसेशन करो मुझे, अर्बन क्लैब में कोई सर्विस जैसा, अर्बन क्लैब सर्विस में और भी सर्विसेज है जैसा AC रिपेयर, होम क्लीनिंग, ये वो सर्विसेज हमको मिलते हैं। तो मैंने बोला कि ये आप मुझे प्रोवाइड कर दो, या कोई क्रेडिट प्रोवाइड कर दो, कोई कूपन प्रोवाइड कर दो। तो उनका साफ कहना था कि नहीं सर, आपको हम कुछ भी रिफंड या फिर कोई कूपन कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ, मैंने उनको यही बोला कि एज अ प्रोफेशन मुझे बहुत गलत लग रहा है, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, हम लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपके कस्टमर्स को, उसके बाद में आपको रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, आपका कंपनी उसी पे चलता है, आप अगर हम लोगों को ही ऐसा बिहेव दो करोगे या हमको ऐसा सर्विस दोगे तो हम क्या बस काम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने लास्ट में, उनका लास्ट में यही था कि जो भी है सर, हम आपको रिफंड नहीं कर पाएंगे, इन फ्यूचर आपको अगर फिर से हमसे ज्वाइन होना है तो आपको ऑफिस आना पड़ेगा, आपका जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा, तो आप हम लोग अगर ये सर्विस फिर से ओपन होती है जिम ट्रेनर की तो हम आपको अवेलेबल करवा के देंगे। इतना बोल के, थैंक यू बोल के उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो गाइज मैं सोचा कि ये कंपनी वालों से तो बात करें कोई फ़ायदा नहीं, मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ मुझे दिखे कि अर्बन क्लैब पे कैसा फ्रॉड हो रहा है, कैसा जो प्रोफेशनल है इनके साथ कैसा कैसा फ्रॉड हो रहा है। काफ़ी तरह के प्रोफेशनल है, जैसे प्लम्बर्स है, वॉशिंग मशीन रिपेयर है, इलेक्ट्रिशियन है, ऐसे काफ़ी तरह के वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनके मुझे लेबर्स के काफ़ी निगेटिव रिव्यू दिखे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो डालूंगा कि जो जो प्रोफेशनल यहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हैं उनको ये सब पता होना चाहिए, कि आप जो भी कॉल करते हो, जो भी आप इनसे कस्टमर से बात करते हो, या आपसे जो प्रॉमिस करते हैं, ये सारे झूठे होते हैं। एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ अपने कंपनी के पॉलिसीज दिखाते हैं। कंपनी की पॉलिसीज सारी सिर्फ कंपनी प्रॉफिट के लिए है, मैंने सारे पॉलिसीज पढ़े, ये सिर्फ कंपनी प्रॉफिट के हिसाब से है, इसमें कोई भी प्रॉफिट सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का नहीं है, जैसे हम लोग अगर हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसका कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी दिल को लगी, मैंने कस्टमर केयर से भी यही बोला था कि बात पैसे की नहीं मैडम, 1.5 हज़ार की बात नहीं है, 2 हज़ार की बात नहीं है, बात प्रॉमिस की है, जेन्युइनिटी की बात है, आपकी काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि आप ऐसा कभी नहीं करोगे, आप आपके प्रोफेशनल के साथ में ऐसा कभी बिहेव नहीं करोगे, मगर एंड मैंने रिव्यू भी इसके पहले पढ़े थे, बट मेरा ऐसा था कि नहीं, काफ़ी बड़ी कंपनी ऐसा कभी नहीं करेंगी, मगर आज मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। मैंने उनको बोल दिया कि इसके बाद मैं आपका कंपनी कभी ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं आपके कोई भी क्लाइंट को ट्रेनिंग्स नहीं दूंगा, आप सिर्फ प्रोफेशनल दिखाते हो सिर्फ आपके कस्टमर्स को, जो आप कस्टमर से पेमेंट लेने वाले हो उनको प्रोफेशनल दिखाते हो, बट आप एक्चुअल में कहीं भी प्रोफेशनल नहीं हो, कहीं भी प्रोफेशनल। बस इतना ही अपना रिव्यूज़, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे, जय।